अब मेरी कविता है जो इस बात को अभिव्यक्त भी करती है कि कैसे ये जो यात्रा हुई है, ये क्या किस रूप में हमारे सामने हुई है। तो कविता क्या है, वो कविता यही बताती है कि कैसे हमारी अभिव्यक्ति और थॉट प्रोसेस सीमित हो रही है। तो जब हम कविता इस प्रकार से है, सोशल मीडिया एक अपूर्ण यात्रा, ये मेरी कविता का शीर्षक है। जब हम ब्लॉग पर थे तब देखते ही देखते हम कितने बड़े मीमांसक हो गए, कितने बड़े आलोचक और समीक्षक हो गए। गहन मंथन, ज्वलंत विचार, लंबी टिप्पणियां। फिर हम वैचारिक रूप से अधिक परिपक्व हो गए और हम फेसबुक पर चले आए। जब हम ब्लॉग पर थे तब देखते ही देखते हम कितने बड़े मीमांसक हो गए, कितने बड़े आलोचक और समीक्षक हो गए। गहन मंथन, ज्वलंत विचार, लंबी टिप्पणियां। लेकिन फिर हम वैचारिक रूप से अधिक परिपक्व हो गए और हम फेसबुक पर चले आए। तब हम फेसबुक पर थे जब देखते ही देखते हम कितने तो सारगर्भित हो गए। उतार दिया विचारों का गैर जरूरी बोझा, थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें। चंद क्लिकों से बनते और बिगड़ जाते थे रिश्ते, विचारों के तूफान सिमट जाते थे लाइक्स में। जैसे एक ही क्लिक में हो जाए इतिश्री अपने सरोकारों की। और फिर हम वैचारिक रूप से और अधिक बड़े हो गए और हम ट्विटर पर चले आए। शब्द सिमटते चले गए, अक्षर सिकुड़ते चले गए। इस बार हमने महज 140 हरफों से लैस होकर उठा लिए बड़े बड़े दायित्व। शब्द सिमटते चले गए, अक्षर सिकुड़ते चले गए। इस बार हमने महज 140 हरफों से लैस होकर उठा लिए बड़े बड़े दायित्व, उठा लिया वैचारिक और सामाजिक क्रांतियों का जिम्मा। और तब हम कितने अधिक विचार उत्तेजक हो गए, करने लगे फैसले, आंकने लगे हैसियतें, देने लगे फतवे, बनाने लगे सुर्खियां, होने लगे मूल्यांकन, लिखी जाने लगी संहिताएं। वहीं 140 हिज्जों की दीवारों के भीतर से होना ही था, होना ही था। और इस प्रक्रिया में हम वैचारिक रूप से और अधिक परिपक्व हो गए। इसमें एक सटायर है जो आप तक पहुंच ही रहा होगा। होना ही था, और इस प्रक्रिया में हम वैचारिक रूप से और भी अधिक परिपक्व हो गए। इन दिनों हम व्हाट्सएप के हवाले हैं, इन दिनों हम व्हाट्सएप के हवाले हैं। ठेलते हैं दूसरे के विचारों को इधर से उधर, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, उधार के शब्दों का दिखा रहे हैं दम, बना रहे हैं खेमे, ला रहे हैं आंधियां, पैदा कर रहे हैं जलजले, ला रहे हैं आंधियां, पैदा कर रहे हैं जलजले। अलबत्ता मकसद अभी बाकी है और यात्रा अभी जारी। हमें इंतजार है थोड़ा और सिकुड़ने का, जरा सा और सिमट जाने का, जहां न हो विवेक न जमीर हो, जहां विचार न करे खामखा परेशान। है कोई मंच जो समेट कर थोड़ा और बांध दे हमारे विचारों को, कैद कर दे हमारी आत्मा को, बोतल में बंद जिन्न की तरह तलाश जारी।